सो ये टॉपिक इज इंग्लिश। हम देखते हैं कि इंग्लिश जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है दिन ब दिन। सो बेसिकली अगर 90% हम देखें स्पेशली एशियन, तो वो इंग्लिश की उनको नॉलेज नहीं। हालांकि इस पर जो आई थिंक 12 से 13 साल तक भी इतना काम कर लिया होता, लेकिन इंग्लिश के हमें वो नॉलेज नहीं होती जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश के ऊपर बात करने का ये मकसद था कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। क्या इंग्लिश एक लैंग्वेज है या फिर एक साइंटिफिकली बयान है कि हमने इस साइंस को सीख लिया और जस्ट एक डिग्री लेके पास कर ली। सो भी इस पे बात होनी चाहिए। इंग्लिश भी दूसरी लैंग्वेज की तरह, और आप बोलते हो, आप दूसरे को बात समझा रहे हो और अगला आसानी समझेगा। ये ज़ुबान है, और ज़ुबान में कुछ भी हो सकती है। आपकी उर्दू है, पंजाबी है, नरसिंग है, फ्रांसी और इंग्लिश है, और दुनिया की बहुत सी ज़ुबानें हैं, अरबी हो सकती है। लेकिन बात यह है, जब आप किसी को बात समझा रहे हो, हम देखते हैं कि इंटरव्यू में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम जो हमें आज के दिनों में फेस करना पड़ा है, अगर हम ग्रेजुएशन लेवल के देखें या बड़ी सतह पर देखें, तो इंग्लिश बहुत बड़ा इशू है। लोग रटे रूट तो करा देते हैं टीचर जाए। आई थिंक टीचर को खुद नहीं रिजॉल्व करनी आ रही है प्रॉब्लम। एक बड़े लेवल की प्रॉब्लम है कि जब हमारा ब्रिटिश जैसी कौंसल से एक इंटरव्यू होता है, तो उसमें वो प्रिपरेशन नहीं होती, वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चे में कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने वही आइडियाज़ जो आम रूटीन में वो अपने फ्रेंड्स, सोसाइटी या फैमिली से करता है। लेकिन जब वो एक इंटरव्यू की बारी आती है, तो वो डिग्रेड और फेल हो जाता है, तो उसमें वो एतमाद ही नहीं रहता। सो फाइंड आउट सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? मेरे ख्याल के मुताबिक हमें सिलेबस से ये चीज़ें रिमूव करनी चाहिए कि वो चीज़ें काम ही नहीं आ रही, तो आपकी ज़िंदगी में वो काम ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या? आपने 14 साल वो इलम ले लिया इंग्लिश का, लेकिन इंग्लिश आपको बोलनी नहीं आ रही, ना लिखने आ रही है, ना पढ़ने आ रही है। अगर वो पढ़ा दी, अगर वो आपको बोलने सिखा दी जाती, जिस तरह पंजाबी लाइक पंजाबी और उर्दू में या जो पंजाबी है ना, वो आसानी से बात समझा सकता है। लेकिन अगर अंग्रेज़ी उसको इस तरह समझा दी जाती है, माहौल में बोली जाती है, घर में बोली जाती है, तो वो ईजिली स्पीक कर सकता है, बोल सकता है। तो माशरे का प्रेशर भी यही है, जो अंग्रेज़ी स्कूलों में नहीं पढ़ेगा उसके मैार के मुताबिक वो अडल्ट है, यानी कि उसका दिमाग वो बड़े लेवल के बच्चों की तरह नहीं होगा। सो माइंड बैरियर बना दिया जाता है सरकारी स्कूलों में। तो अगर इस बैरियर को हटाना है, तो वही चीज़ उर्दू और इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी की तरह हमें वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि हम इंग्लिश जो बेसिक, जैसे बेसिकली हम बच्चे को सिखाते हैं यार कि स्पोर्ट्स लाइक वो क्रिकेट है या कोई भी स्पोर्ट्स, फुटबॉल या बास्केटबॉल, तो हम उसको रूल्स कहते हैं बेसिक, ताकि वो उस रूल के मुताबिक अपनी बॉल को फेंक सके आसानी से। हम बेसिकली रूल ज़ुबान ये है कि ज़ुबान का मतलब कोई बैरियर नहीं है, ज़ुबान भी एक लाइक ए टूल है, आप उसको टूल को घुमाइए वो काम करेगा। अब ज़ुबान को टूल लेंगे तो आप इजीली सीख लेंगे। तो अब ये जो टूल है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत बड़ा। तुम इंग्लिश में नहीं ये चीज़ सीखोगे, तो तुम बड़े लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। अब मेरा ये सवाल है कि तैयब अर्दगान या मोदी जैसे ये बड़े प्राइम मिनिस्टर ने कितनी बड़ी डिग्रियां लेके ऑक्सफोर्ड से प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका तर्जमान होता है कि वो अपनी ज़ुबान में बता सके, अगले को बयान कर सके बात। तो इंग्लिश भी एक ज़ुबान है, और हमें इस ज़ुबान के हद तक इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इसको साइंटिफिकली भेजें। तो अगर हमारे स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएं कि वो अपनी ज़ुबान इंग्लिश में समझा सकते हैं, तो वेल एंड गुड, और बहुत अच्छा, और वो बड़े लेवल पर जा भी सकते हैं, बड़े लेवल पर अपने इंटरव्यूज आला सतह पर अपनी गुड अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें बेस खानी चाहिए, बेसिक ये होनी चाहिए, हमें ज़ुबान आनी चाहिए। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है बोलने के लिहाज से, बोली जाए और इसको समझा जाए। और देखें, उन चीज़ों से बेहतर है जो हमने 14 साल अपना टाइम ज़ाया किया, उन टीचर्स को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए
कि उन्होंने वाकई एक स्टूडेंट्स का टाइम फ्यूचर से खेला है और वो ये जवाब दें, क्योंकि अगर हम उस बच्चे